को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे और जेल में डालेंगे। नहीं नहीं, सवाल है कि जो माफिया है चाहे कोई भी हो और गलत आदमी है, उनका मैं भी विरोधी हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जो भाषा का प्रयोग देश का गृह मंत्री कर रहे हैं ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और ये बात बोलना देश के हित में नहीं है। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा ठीक नहीं है। बीजेपी 400 पार के पक्ष में लगी है, कार्रवाई हुई है। देखिए जो भी हो, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार विरोधी पक्ष के लोगों को डराने धमकाने, कभी ईडी का कभी सीबीआई का भय दिखलाकर उनको डराना चाहती है, लेकिन विपक्ष डरने वाली नहीं है और बिहार से ही उनको डर है, बीजेपी और सरकार को, केंद्र को, और ये सारे लोग डरे और समय हुए हैं और बिहार बार बार दौरा कर रहे हैं, इसी वजह से बोल रहा हूँ। अनंत हेगड़े ने कहा है कि 400 पार होता है तो संवैधानिक प्रक्रियाएं चेंज होगी, अब सवाल है कि 400 पार होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला चुनाव में जनता निर्णय करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि बिहार जब हुंकार भरता है और बिहार जब अंगराई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। बीजेपी हराओ देश बचाओ का नारा लग चुका है, इसलिए ऐसा संविधान बदलने की बात आ रही है। संविधान कैसे बदल जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगा, बस संविधान हम लोग बदलने देंगे। सर आज महागठबंधन के उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे। जी हाँ, मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार उन्होंने जिस तरह से उम्मीदवार का चयन किया है काबिले तारीफ है और जनता में जय जयकार हो रहा है। लेकिन राबड़ी देवी के नामांकन पर अभी भी जो है एनडीए कह रही है कि परिवारवाद तो अभी भी नजर आ रहा है। अब सवाल है कि जिसका परिवार ही नहीं हो वो क्या परिवार की बात करेगा। बस कांग्रेस में नाराजगी है सर, एक भी ठीक है, थैंक यू। चल।